कैसे आज लोग आए हो? पापा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन से हो रही है, और अभी टाइम दिन के दो सवा दो हो बज चुके हैं। और सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सुबह हम ऊपर जा रहे थे, उसके बाद घर आए, फिर टाइम भी नहीं लगा घर पे आके ब्लॉग बनाने का। बाकी अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और नानी अभी थोड़ा चमक रही है क्योंकि अभी इसने ना हाथ मुंह धो के गाइस एक दूसरी भी आ गई है। हम कैसे खर करे और अरे खर करे और तो अभी मैंने यहाँ पे ना थोड़ा दवाई लगा रही। मम्मी ना साई जा रही है डॉली औरों को बाहर पे निकालने के लिए, क्योंकि आजकल ना सर्दियों के टाइम पे हमारे यहाँ धूप चले जाती है, क्योंकि आगे से ना काफी बड़ा तिमली का पेड़ है, फिर उधर की साइड पे मकान है, तो इस वजह से धूप जल्दी चले जाती है। और ये बोल रही है कि मैं भी हूँ तो मेरे को भी निकाल। मैं भी गई थी। अच्छा, ये भी जा रही थी मम्मी के साथ साई। बाकी आज हम खाने में, आज हमने खाने में ना वो राजमा, जो हरी राजमा थी, उसकी दाल बना रखी है। तो अभी मम्मी साई से आ जाएगी, तो उसके बाद खाना खाते हैं और फिर चलते हैं अपना काम को, बर्तन वगैरह साफ करके उसके बाद चलेंगे पंडो देखने के लिए। लेकिन अभी टाइम तो खैर 2:30 बज ही चुका है, तो देखते हैं कि कितने बजे से स्टार्ट होता है। तो तब तक हम थोड़ा यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ना हमारे यहाँ पे भी छांव आ जाती है। आगे से ना अखरोट का और तिमले का काफी बड़ा पेड़ है, तो इस वजह से यहाँ पे धूप जल्दी चले जाती है। और मेरी मम्मी भी आ गई है गोबर लेके, क्योंकि मेरी मम्मी ने वखवा लीपा है, साली घसा और चौक को भी, ये तो कब का ही वो कर दिया था। और कामना इतना मोटा सलवार पहन के जा रखी थी घास लेने के लिए। हो हाँ, तो वो कूरत कल लग लेना देवा, हाँ। और उस पे कूरे लग रखे हैं। जा, घास में ही ले आए थे हाँ थोड़ी। हाँ हम तो खाली आए, हम तो खाली खाली जाए अच्छे नहीं। तो अब मम्मी भी आ गई है, तो उसके बाद खाना खुना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हमने गुन्नू को नहा के ना वहाँ ऊपर भी बांध रखा है, और गुन्नू देखो कैसे कैसे भौंक रहा है। और ये देखो नानी भी तैयार हो गई। क्या बेटा, गुन्नू भी जैसे ही वो उधर आवाज सुनाई दे रही ना उसको, वैसे ही यहाँ से वो भी भटिया रहा है। ए गुन्नू, तो आज मम्मी ने ना हमारा वखवा भी लीप दिया है काफी अच्छे से, क्योंकि काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ हो रखा था, तो इसको घस के काफी अच्छा हो गया है। बाकी हमारे फूल देखो क्या मस्त हो रखे हैं। ए गुन्नू, अरे गुन्नू रहा यहाँ ऊपर आ रहा। अरे तो अभी हमारा खाना भी बन चुका है, और खाने में आज मैंने बताया था आपको राजमा, जो कच्ची राजमा थी उसको निकाल रखी थी मम्मी ने, और इसका साग बना रखा है। तो अभी मस्त बैठ के खाना खाते हैं, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाकी यहाँ पे नानी बड़े बनो मस्त टेस्टी गुड। तो ये है मेरा खाना। तो दोस्तों अभी टाइम 3 बज चुके हैं, बाकी अभी ना पंडो नाचना स्टार्ट हो गए हैं, तो सलोनी कामू नानी सभी चले गए हैं। बाकी कामू मेरे को रुकी है, क्योंकि मैं थोड़ा ना किचन साफ कर रही थी, और इतनी जल्दीबाजी मैंने बाप रे ये काम हो रहा है कि मैं तेरे को रुक नहीं रही। तो फिलहाल अभी चलते हैं सीधे उधर, और मिलेंगे आपको वहां पे पहुंच के। No, baby.
ज्यादा ही हो गया है। और अभी हम पंडो देख के आके और सीधे अभी जा रहे हैं हम मॉल डालने के लिए, गोबर डालने के लिए। बाकी इधर की साइड भी ना लोगों ने सभी ने गोबर डाल दिया है, तो हम ले जा रहे हैं रुपए वाले पुंगड़े। आज फर्स्ट दिन था तो आज पंडो ना थोड़ा सा ही नाचे, बाकी आज शाम से तो द्रौपदी भी नाचेगी। मतलब अभी के टाइम पे ना, अभी द्रौपदी नहीं थी तो क्या पता शाम से आएंगी। और चुपचाप चल, तो इसका मुंह तो कुछ अलग ही बोलता रहता है, चल जल्दी जल्दी। तो आजकल लोगों ने ना खेत में देखो गोबर भी डाल दिया है, और अभी हम लेके जाएंगे सीधे रुपाई वाले बिजोड़े लेके जाएंगे गोबर। और अभी और कल भी हमने गोबर ही डालना है, तभी चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं खेत में, बाकी काम और सलाने यहाँ पे गोबर फैला रहे हैं, क्योंकि ये बिजवाड़े वाले पुंगड़े हैं तो इसमें ना पहले गोबर डालते हैं और उसके बाद बुताई होती है। डालते हैं कि रहा तो वेग वाला बंदा वेले के वे तो आज तो कोई तो आज मैं नहीं फैला रही ना, तो ये मेरे पे क्रोध हो रहा है। इनके ये ज्वालामुखी बन चुके हैं ये दोनों के दोनों, तो निमार यार बोलो। तो अभी ये ना ये दोनों के दोनों शाने बन रहे हैं, खुद खा गीलो। तो हमने ना कल इसी में गोबर डालना है, मतलब जो बिजवाड़े हैं उनमें गोबर डालना है, और फिर परसों आएंगे पापा यहाँ बुताई करने के लिए। और खेत ना पता है कैसे हो रखे हैं, देखो सूख के ऐसे हो रखे हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ लवाई करी थी ना तब यहाँ पानी था, तो आजकल देखो ऐसे सूख चुके हैं। अगर बुताई करने के बाद थोड़ा बारिश आ जाए तो काफी अच्छा होगा। तो एक गली देख, एक गली देख, ये कामों का दुपट्टा है। तो दोस्तों अभी रात के बज चुके हैं 8:30, और ये दोनों ना तैयार हो गए हैं पुनः देखने के लिए। बाकी अभी मैं ऐसे हाफ में घूम रही हूँ गाइस, ये मेरे को आ रही है गाइस, खिड़की बंद कर, और इन दोनों की लड़ाई ऐसी चलने वाली है। हाँ पागल इंसान, एक तो बोल रही है मैं रजाई लेके जाऊंगी, तो वैसे तो आज जाएंगे और देखेंगे। तो बुरी अभी फटाफट थोड़ा तैयार हो जाते हैं, पहन लेते हैं और उसके बाद चलते हैं। ब्लॉग में ज्यादा नहीं बनाऊंगी, देखूंगी किसी किसी टाइम बनाऊंगी, और वो क्लिप बना के मैं बीच में ढालती रहूंगी। सो चलते हैं अभी घर जहाँ पे पंडो नाच रहे हैं। तो दोस्तों अभी रात के बज चुके हैं 10:30, बाकी अभी हम पढ़ना देख के आ गए हैं। और राज ना थोड़ा सा ही, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, और जल्दी ही घर आ गए हैं, नहीं तो 11-12 बजे तक नाचते ही हैं। सो इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ऐसे ही ब्लॉग के साथ मिलूंगी आपको सीधे अपने कल के नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।